शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पारथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। तो आज हम मोहम्मद की 11वीं मंगेतर सबा के बारे में बात करेंगे। और अभी तक हमने उसकी कई सारी मंगेतरें देख ली हैं। और मोहम्मद ने कहा था कि कोई भी महिला जो है जो अपने आप को मोहम्मद को प्रेजेंट करेगी तो मोहम्मद जो है वो अगर उसको भी पसंद करेगा, ये उसने बाद में ऐड करवा दिया क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र की वुमेन आने लगी और वो नहीं चाहता था कि बड़ी उम्र वाली जो है आए, तो उसने जो है ये चीज भी ऐड करा दी और मोहम्मद जिनको पसंद करेगा उनको एक्सेप्ट करेगा। तो अगली अभी हमने देखा अल अंसारिया के बारे में कि वो आई और मोहम्मद ने उसको जो है पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। और उससे पहले हफ्सा ने जो है उसको बोला, उसको लगा कि ये कैसे आ गई, तो मोहम्मद ने उसको डांट के बोला ये तुमसे ज्यादा बेटर है। तो अब हम सभा की ओर देखते हैं और लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इस डिलेमा में हूं कि मैं कश्मकश में हूं कि मैं इसको स्टार्ट करूं या थोड़ा वेट करूं कि लोग जुड़ जाएं। तो हो सकता है उनको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज जो भी देख रहे हैं इसको लाइक शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। और मैं एक लिंक दे दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग जो हैं वो मैं एक लिंक अभी ही दे देती हूँ। गिरीश त्यागी जी, आपको ओम गणेशाय नमः और आपका स्वागत है। थैंक यू आप ज्वाइन हुए। पिछली स्ट्रीम में तो 8-10 लोग थे तो मैंने उनको बोला था, मैं अभी दूसरी स्ट्रीम खोल रही हूँ पर लगता है उनको मिला नहीं कि कहाँ पर शुरू हुई है स्ट्रीम। तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए स्ट्रीम ताकि लोग और जुड़ सकें। और मैं शुरू करती हूँ फिर, कोई आए या ना आए हमें तो शुरू करना ही है टाइम से। तो अब हम सबा के बारे में जानेंगे जो मोहम्मद की 11वीं मंगेतर है। तो सबा को लकी भी बोलते थे 627 या बाद में। इसका नाम था सबा बिन्त अस्मा इब्न अल सॉल्ट। ये सुलेम से जो है की वंशज थी, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, खाना बदोश कबीला था। वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी अरब का एक खाना बदोश कबीला था सुलेम, उससे ये उसकी वंशज थी ये। लेकिन सबा जो है वो कभी भी बद्दू नहीं हुई क्योंकि उसका पिता जो है वो इमिग्रेट कर गया था मदीना और वहां पर उसने ना दोस्ती कर ली थी एओस कबीले से।
तो सबा जो थी वो पली बढ़ी, जो पेगन्स रहते थे मदीना में, जो मूर्ति पूजक थे, उनके बीच में वो पली बढ़ी। और जो दोस्ती करने वाले इमिग्रेंट्स थे, जैसे कि सबा का परिवार था, वो लो होता था सोशल स्केल में, फिर भी सबा को सब लोग अल नशात बोलते थे, जिसका मतलब अरबी में द हैप्पी वन या फिर द लकी वन, जिससे कि उसके पर्सनैलिटी पर हमें एक झलक मिलती है इस नाम से, कि उसका नाम लकी था, मतलब कि वो सब के लिए शुभ थी। तो जी, थैंक यू गिरीश जी। तो आगे चलते हैं कि सबके साथ सबा की फैमिली ने भी कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में जब नया ये नबी आया। किसी ने भी बदर की लड़ाई में जो है लड़ाई नहीं की करी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसका भाई जो उर्वा था, उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो कि रिसाइटर्स होते थे, यानी कि जो रिसाइट करने वाले लोग, जो जो रट्टू तोते की तरह चांट करते हैं। तो ऐसे 70 जवान लड़के थे जो कि सिटी के बाहर मिलते थे, और वो लोग मिलके जैसे वो करते हैं ना, जैसे स्टडी सर्कल सा बना के, और प्रे करते थे रात में, और इसके बाद वो लकड़ी लाते थे और पानी लाते थे मोहम्मद की फैमिली के लिए। और उनकी फैमिलीज जो हैं वो पूरी रात जो है मस्जिद में बिताते थे, जबकि लोग जो मस्जिद में होते थे वो सोचते थे कि ये तो घर में है अपनी परिवारों के साथ, ये लोग पूरे जो है स्टडी भी करते थे और रात भर ये लोग प्रे करते थे। तो ये उर्वा भी इसने ज्वाइन कर लिया था ऐसा ग्रुप, लेकिन उर्वा को उसके ही कबीले ने 625 की गर्मियों में मार दिया। मोहम्मद ने एक डेलीगेशन भेजा था रिसाइटर्स का, जो कि ये चांट करने वाले लोग हैं, ताकि ये जासूसी करें सेंट्रल अरेबिया की, यानी कि मध्य अरब की ये लोग जासूसी करें। तो जब वो बीर मवूना पहुंचे तो वो सुलेम कबीले ने इनको एम्बुश कर लिया, ताकि वो इसका बदला ले सकें, जो मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में जिनको मारा था उसका बदला ले सकें। तो फिर इतनी लड़ाई हुई कि आखिरी आदमी तक लड़ाई हुई, और सुलेम ने वहां पर उर्वा को पहचान लिया कि ये तो अपना ही है, और उन्होंने उसको कहा कि हम तुझे छोड़ देंगे, पर उसने जो है मना कर दिया प्रोटेक्शन, कि भाई तुमने मेरे दोस्तों को मारा है तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा रक्षण नहीं लूंगा। तो उन्होंने उसको भी मार दिया, यानी ये जो सबा जो लकी थी लड़की, इसका भाई उर्वा जो था, इस प्रकार अपने ही इसने जो रात का जो ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जैसे तबलीगी जमात वाले होते हैं, तो इनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो उसी के ग्रुप ने ही को जब इन लोगों ने मारा सुलेम कबीले ने, तो उसको भी साथ में मार डाला। इस दुख भरी ट्रेजेडी से उर्वा जो है उसको शहीद माना गया, और उसकी फैमिली को जो है वो ट्रस्टेड मुसलमानों में जो है काउंट करा जाने लगा। 2 साल बाद 700 जो सुलेम थे उन्होंने कुरैश को ज्वाइन कर लिया, ताकि वो मुसलमानों पे अटैक करें बैटल ऑफ डिच पे, क्योंकि बैटल ऑफ डिच जो थी सबसे बुरी थी। ये वही थी जिसमें कि 900 जो बनु कुरैजा के बच्चे मिलाकर, जिनके प्यूबिक हेयर आ गए थे, उन सबको मिलाकर 900 लोग इन्होंने मारे थे। तो उसके 2 साल बाद 700 ये सुलेम के कबीले के लोग थे, इन्होंने कुरैश के साथ मिल लिए और उन्होंने मुसलमानों पर अटैक किया बैटल ऑफ डिच में, पर ये तो मारे जाएंगे। तो सबा का फादर जो है वो, उसने देखा कि वो अपने ही लोगों से लड़ रहा है, क्योंकि उसी के लोग जो थे वो वहां मुसलमान बन गए थे। तो उसके बाद ही सबा के फादर ने भी डिसाइड किया कि वो भी जो है जो नबी है उसका ससुर हो जाएगा। तो वो भी मोहम्मद के पास गया और उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बेटी है जो कि बहुत सुंदर है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, और मैं तो उसको किसी को भी
नहीं दूंगा आपके सिवा। और मोहम्मद ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। सबा जो है वो तो कोई अलायंस प्रोवाइड नहीं करती किसी लोकल कबीले के मुखिया से, क्योंकि वो तो एओस कबीले से ब्लड से रिलेटेड थी नहीं। और उसका तो सुलेम से भी कबीले से भी ज्यादा प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उसका फादर, उसका पिता और उसका भाई तो रेनेगेड्स थे जिन्होंने कि मुसलमानों का साथ दिया था, पर वो तो शहीद कैटेगरी में थी। तो ये भी कोई मुमकिन नहीं है कि उसकी फैमिली के पास ज्यादा पैसा भी था। तो मोहम्मद का इंटरेस्ट जो था वो केवल और केवल अस्मा के जो डिस्क्रिप्शन उसने अपनी बेटी का दिया था उसी पे था, और उसके फादर ने थोड़ा सा एग्जेजरेट कर लिया था, क्योंकि हर पिता को अपनी बेटी ज्यादा सुंदर लगती है। पर फिर भी जब उसने देखा सबा को तो पर फिर भी उसने सबा को बहुत प्रेटी पाया, मतलब उसके फादर की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रही। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया और सबा जो लकी थी वो एक वाइफ बन गई प्रॉफिट की। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा रोक के कमेंट्स पढ़ती हूँ थोड़े से। इंदिरा जी आप देर से ज्वाइन हुए। राज वशिष्ठ जी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अपनी तरफ से जो है बहुत मुसीबतों से ये किताब जो लेकर आई हूँ, और ऑथर को लिख के मैंने ये किताब मंगाई है, और मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से बता रही हूँ। आप बताइए कि आपको मेरी चीज़ क्वालिटी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँ जो ये क्वालिटी हो जाए आपके हिसाब से। शैडो बैन है इंदिरा जी कह रहे हैं, हो सकता है। तो राज वशिष्ठ जी, तो मेरा अगर शैडो बैन है तो नहीं आएंगे लोग ऑब्वियसली, तो मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। मेरा ये पड़ा रहेगा, जब लोगों को जानकारी की जरूरत होगी मोहम्मद की मंगेतरों के बारे में तो मेरा यूट्यूब में निकल आएगा। जानकारी अगर किसी को लेनी है वही लोग तो आएंगे। अब जानकारी में प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है क्या? मैं तो उसकी बीवियों के ही बारे में बता रही हूँ, तो मैं कोई नाच नाच के तो बताऊंगी नहीं, मैं तो पढ़ के ही बताऊंगी। तो और क्या मैं बताऊं उसमें? अपने मर्जी से तो कंटेंट ऐड नहीं कर सकती ना। जो जो उसके बारे में है रेफरेंसेस उसी के हिसाब से बताया जाएगा। मेरी टीम में अगर लोग खिलखिलाते और ठहाके लगाते और यहाँ ऊपर बैठ के हंसी मजाक करते तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सनातनी जो है इतने कोऑपरेटिव नहीं है। वो जो है दूसरे चैनल्स पर ज्यादा जाते हैं तो उनको लगता है कि ऐसी बात है, तो जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देंगे तो ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया और सबा जो थी जिसको सबा द लकी कहते थे वो मोहम्मद की बीवी बन गई, और प्रिपरेशंस बनी कि उसको जो है मोहम्मद के हाउस होल्ड में लाया जाए मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में। लेकिन ये जो पिता था जिसने अपनी तारीफ करी थी बेटी की, ये जो उसने अपना हैंड ओवर प्ले कर दिया था, तो उसने सबा के बारे में एक बात ये भी कह दी थी कि अरे ये तो कभी एक दिन भी बीमार नहीं पड़ी अपनी जीवन में। ये उसने अपनी तरफ से ऐसे ही बोल दिया था, और फिर मोहम्मद ने अचानक से अपना माइंड चेंज करके बोला तुरंत कि हमें आपकी बेटी नहीं चाहिए। और उसने ये भी कहा कि वो जब हमारे साथ आएगी तो उसके सारे पाप भी उसके साथ आएंगे। एक शरीर जिसके पास वीकनेसेस नहीं है और फ्लॉज नहीं है वो उस तरीके से है जैसे प्रॉपर्टी है, पर जिसने कभी भी जो है टैक्स न दिया हो। तो देखो यहाँ पर मोहम्मद की सोच कितनी अलग है वेदों की सोच से, कि हमारे यहाँ वेदों में जो निर्बल व्यक्ति है उसको ईश्वर नहीं मिल सकते, क्योंकि बल जो है वो सात्विक कंटेंट से ही आता है। और यहाँ पर मोहम्मद उल्टा कह रहा है, वो कहता है कि जो बॉडी है जिसमें कि कभी कोई वीकनेस या फ्लॉ ना रहे वो तो उस प्रॉपर्टी के समान है जिसने कभी भी जो है भिक्षा न दी हो।
भिक्षा का टैक्स न दिया हो या आर्म्स टैक्स ऐसा कुछ, तो इसका मतलब कि जो है ये पहले तो तैयार हो गया, लेकिन चूंकि इसके पिता ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि भाई वो तो एक दिन भी बीमार नहीं पड़ी, तो इस वजह से वो अचानक से चेंज हो गया। और ये वर्ड जो है वो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे अर्थ पे यानी पृथ्वी पर जो हमें कष्ट मिलते हैं वो थोड़े से पर्सनल सिंस को रिमूव करते हैं, और थोड़ी सी हमारी पनिशमेंट जो है जो हमें बाद में मिलने वाली है उसको कम करते हैं। तो ये एक ऑड बात है कि मोहम्मद ने देखा कि सबा जो है वो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कष्ट कमाए, क्योंकि उसके पास वो तो कभी बीमार पड़ी ही नहीं, तो उसको तो कोई मतलब उसने इसका मतलब कोई पाप नहीं करे जिसका कि उसको कर्म भुगतना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये डिसटेस्टफुल बात है। तो हो सकता है कि उसकी रियल प्रॉब्लम, जैसा कि तारा मैकआर्थर जी को लगा कि उसको लगा कि ये फादर जो है इसका बड़ा अनोइंग है, क्योंकि अपनी बेटी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद को आदत थी कि लोग जो है अपनी बेटियों को मारें, अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखें, उस टाइप के आदमियों को ये पसंद करता था मोहम्मद। और चूंकि ये अपनी बेटी की बड़ी तारीफ कर रहा है तो ये बड़ी लाडली है अपने घर की, तो ये बात उसको नहीं जम रही थी मोहम्मद को। आप लोग मुझे अपने हिसाब से बताना आप लोग क्या समझते हो। वंदे मातरम जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। राघव झा जी, आपको जय श्री राम। नमो वर्ल्ड रैंकिंग रैंकिंग मी 76% के साथ टॉप में नंबर 1, ये क्या चीज है। खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद खुला खुला जार सांड बन गया। हाँ बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये खत्म ही होने वाला है। तो हो सकता है कि जो सच्ची प्रॉब्लम ये थी कि उसके फादर को वो बड़ा अनोइंग लगा उसको, उसका फादर, कि ऐसा हुआ कि वो मर गई जिससे पहले वो उसके पास पहुंचा। ये इसका मतलब ये है कि वो अपनी शादी के दिन से पहले मर गई, पर मोहम्मद ने तो उसको डाइवोर्स कर दिया था, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि वो मोहम्मद तक नहीं पहुंच पाई कि वो मर गई। इसका मतलब ये है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई जितने दिन भी वो जीवित रही। अप्रैल 629 में मोहम्मद ने एक आर्मी को भेजा कि वो जो है सुलेम जो कबीला उनसे लड़ रहा था उसको दीन की दावत दें। और लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सुलेम कबीले ने उनको उन पर तीर चलाए और उनको चिल्ला चिल्ला के बोला हमें तुम्हारा इस्लाम नहीं चाहिए। 1 साल से भी कम की बात है कि 700 सुलेम कबीले के मोहम्मद के पास आए और उन्होंने अपने आप को ऑफर किया एज वैनगार्ड ऑफ हिज आर्मी। तो मतलब इसकी आर्मी को प्रोटेक्ट करने वाले, ताकि वो विनिंग टीम को बैक कर सके मक्का की फतेह में। इसके बाद ही जो कबीला का मुखिया था जिसने मास्टरमाइंड किया था बीर मावुना पे, उसने मोहम्मद को असैसिनेट करने का वो बनाया प्लान, पर उसका जो कॉन्फिडरेट है वो अपनी करेज लूज कर दिया और उसने कॉपरेट नहीं किया। तो जो ये बीर मावुना का मैसेकर हुआ था, यहाँ बीर मावुना पे भी एक मैसेकर हुआ है। उसके 20 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ आयशा की बहन को अस्मा को, और सबा का जो शहीद हुआ भाई था उर्वा, आपको याद होगा, उसके नाम पर ही उसने उसका नाम भी उर्वा रख दिया अस्मा के बच्चे का। तो ये बीर मावुना का मैसेकर जो था
ये इसने मास्टरमाइंड जिस चीफ ने किया था उसने मोहम्मद को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। अब कोशिश करी थी या मोहम्मद को ऐसा लगा, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी में एक बात है, जैसे आप होते हो आप दूसरे पर वैसे ही शक करते हो। एक मुझे याद है जब हम डिटेल पढ़ रहे थे कि मोहम्मद किसी के साथ गया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट, यहूदी लोगों ने उसको बुलाया घर पर खाने के लिए, ये वो, तो मोहम्मद अपने 7-8 लोगों के साथ गया। अचानक ही मोहम्मद उठ के वहां से चला गया बिना कुछ बताए, और बाद में कहने लगा कि अरे कोई मेरी ना ऊपर से छत से हत्या करना चाहता था। उन यहूदियों बेचारों को पता भी नहीं, इसने जबरदस्ती का इल्जाम उन पर डाल दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जैसे नर पिशाच आके हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, जैसे पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं कि हमें तो इजरायलियों ने बड़ा चोट पहुंचाई है, वो अरे तुमने तो अटैक पहले किया ना। तो ऐसे ये लोग कुछ भी कह देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मोहम्मद को असैसिनेट करने का प्लान था, तो ये तो मोहम्मद की सोच हो सकती है, मेरा कहने का मतलब ये था। तो अभी मैं एक लिंक दे देती हूँ, अगर कोई इसके बारे में बात करना चाहता हो सभा के बारे में तो आ सकते हैं ऊपर, मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने नहीं सुना, तो मैं एक लाइन में फिर से बता देती हूँ इसकी कहानी, कि ये जो लड़की थी सबा, ये इसको द लकी बोलते थे, और ये जो मूर्ति पूजक थे मदीना में उनके बीच में पली बड़ी थी। इसकी फैमिली ने जो है सबके साथ जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और इसका भाई जो है जिसका नाम उर्वा था, ये कुछ जो लोग चांट करते थे रात में मस्जिद में जो है पढ़ते थे और प्रे करते थे, और मोहम्मद के घर के लोगों के लिए जो है लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे, तो उनके बीच में था। और ये मोहम्मद ने ऐसे जो रटने वाले, जैसे कुरान रटने वाले लोगों का एक ग्रुप तैयार किया था, जो जासूसी करने जाता था, जो रेकी करता था जाके घरों की, तो वो तैयार किया था, उसमें ये उर्वा भी था। तो जब ये गया तो सुलेम कबीले ने इन लोगों को, दोस्तों को, इसको मार दिया, और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे ही कबीले का है उर्वा, तो उसकी जान बख्शने को कहा। पर उर्वा ने कहा क्योंकि तुमने मेरे साथियों को मारा है तो मुझे भी मार दो, तो उसको भी मार दिया। तो उर्वा जो है ये सबा का भाई था, और फिर सबा जो थी ये हैप्पी गो लकी थी। तो नबीन, इसके पिता ने सोचा चलो इसकी शादी जो है हम इससे करवा देते हैं, क्या बोलते हैं, नबी से। तो उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसकी खूबसूरती के लिए, तो वो तैयार हो गया, और उसने देखा भी कि भाई ये तो बड़ी खूबसूरत, कोई बात नहीं। इसमें मेरी ही गलती है कि मेरे को चेक करना चाहिए था कि कौन है, इसको मैंने डीमोनेटाइज कर दिया अभी फिलहाल के लिए, और बाद में मैं इसको काट दूंगी। 24 मिनट, ठीक है। तो ये था, तो फिर हाँ, तो मोहम्मद ने जो है वो कहा कि भाई ये तो एक भी दिन बीमार नहीं पड़ी है, तो मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो हमारी लोग जो हमारे बीमार पड़ते हैं, तो ये इससे हमारे जो है कर्म कटते हैं। मतलब इसने ये हिंदुइज्म से चुराया कॉन्सेप्ट, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ वेदों में उल्टा है। हमारे यहाँ वेदों में जो व्यक्ति निर्बल होता है उसको ईश्वर नहीं मिलते, जो व्यक्ति सबल होता है उसी को ईश्वर मिलते हैं। तो ये था, तो मैंने जो है एक दे दिया है जो है ज्वाइनिंग लिंक, तो आप लोग आ सकते हैं ऊपर, अपने व्यूज रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद ने सबा से शादी क्यों नहीं की? और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, कितने लोग देख रहे हैं कोई बता सकता है यहाँ पर कितने लोग देख रहे हैं? तो जितेंद्र जी, आपकी शक्ल बना के मुझे नहीं पता कि आप वो वाले हो,
या भी जितेंद्र नाम से कोई आया था, और परवर्टेड तो होते ही है ये नर पिशाच, तो उसने एक नंगी लड़की का जो है तस्वीर लगा दी थी। तो कौन आके बोलेगा इसके बारे में? किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। गिरीश त्यागी जी, आपको ओम गणेशाय नमः, जय श्री राम, जय सनातन वैदिक धर्म, हर हर महादेव। हाँ, इनकी तो मैंने बता ही दिया था, तो मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, और अगर आप कुछ और चाहते हैं तो बोलिए। जो लिखा है किताब का वही तो मैं पढ़ूंगी, मैं कौन सा अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड करूंगी, जो लिखा है वही तो पढ़ूंगी। चुगलियां करने से लोग व्यूअर्स आते हैं, तो मैं चुगलियां तो नहीं करूंगी। और जो है मेरा, मेरे यहाँ पर चैनल पे मोमिन्स भी बहुत नहीं आते हैं, तो फिर इसलिए लोगों को कम अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं कुछ नहीं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वही आएगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंदिरा जी को जय श्री राम। नमो वर्ल्ड रैंकिंग, हाँ ये तो मेरे को समझ नहीं आया था ये वाला कमेंट। वंदे मातरम जी, आपकी भी जय हो। खदीजा की मौत के बाद, हाँ ये मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम कमेंट। मोहम्मद टट्टीला, बच गई मोमो का, मूत्र पीने से बीमार होती तो पीना पड़ता, पर वो मोमो के साथ उसकी शादी टूट गई ना, मोमो ने उसको तलाक दे दिया तुरंत ही। आज भी कोई आ गया था, मैंने तो बस 3 कमेंट ही किए हैं। मैं पहचान कभी नहीं छुपाता हूं, उसने कोई पहचान नहीं छुपाई, वो तो आपकी डीपी लगा के आया था, मैंने सोचा आप आए हो पैनल पे, मैंने उसको ले लिया। जय श्री कृष्ण बोला वैसे ही उसने गंदी खोल दी डीपी चेंज करके। कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि ये लोग जो हैं इनको चिढ़ मच रही है। राज जी कह रहे हैं कि मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो देखो इसी से क्वालिटी समझ में आ रही है कि कितना क्वालिटी प्रोडक्ट है, कि इनको इतनी मिर्ची लग रही है कि यहाँ आ गए मेरे चैनल पे नंगा होने, तो इनको मिर्ची लग रही तभी तो आए। अगर हमारे चैनल पे 3 4 ही लोग हैं तो इसको इतनी मिर्ची लग रही है, अगर ज्यादा लोग होते तो और भी ज्यादा मिर्ची लगती, तो हमारा चैनल सफलता है ये, इसका पैमाना यही है कि ये फौरन आए, आया नरपिशाच, इसके पिछवाड़े में मिर्ची लग रही थी तभी आया ना। ग्रेट वर्क पोल खोल, थैंक यू प्रियंवदा चौहान जी। तो मैं यही कह रही हूं कि इनको मिर्ची लगी, तो यही है, इसी से मैं अपनी सफलता मानती हूँ कि मेरा चैनल जो है सफल है, क्योंकि ये आया फौरन, इसको मिर्ची लगी, मजा आया जी। तो कोई आके ऊपर बोलना चाहता है सभा के बारे में? मुझे नहीं पता जितेंद्र जी की कौन आया था, मुझे नहीं पता कौन आया था, पर आप लोग आ सकते हैं ऊपर बात करने के लिए। तो कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्या ये स्ट्रीम क्लोज करूं? जैसा आप बोलें। इंदिरा जी को अगर चैट करना है, चैट लाइन चलाना चाहते हैं, तो मैं एक चैट लाइन खोल सकती हूं। अब इसके बारे में भी कुछ ज्यादा है नहीं बोलने के लिए, पर मुझे लगा ये अजीब बात है कि इसने ये कहा कि चूंकि ये बीमार नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी है जो कि बिना भिक्षा टैक्स की प्रॉपर्टी, बिना फ्लॉ का व्यक्ति, बिना तो बिना फ्लॉ का व्यक्ति को ये बुरा समझ रहा है मोहम्मद। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। जय जय श्री राम सबको कह रहे हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है क्रिमिनल्स का, इनके पास हर तरीके का एक आंसर है कि अगर ये यहाँ चलेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, अगर ये करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे,
हम आपस में ही अपने अनियन लेयर्स बना लेंगे। बिल्कुल, कर्ज है ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड के लिए। तो कोई ऊपर आएगा? इंदिरा जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ सभा के बारे में, या मैं क्लोज कर दूं? दुनिया खुलकर बोलेगी तभी जिहादी के दुष्ट एक्शन मालूम होंगे। हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा अगर सारे लोग बचते रहेंगे। ये कोई भी इनके खिलाफ बोलता है तो ये उसको जान से मार देते हैं, जैसे नुपुर शर्मा का केस या कन्हैयालाल, ये सब हमारे अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा बोलना जरूरी है। सब लोग बोलेंगे तो फिर ये दब जाएंगे अपने आप ही। मैं प्रभु इस्लाम मुक्त कर दो पृथ्वी को। सत्य वचन, जय प्रभु जी। तो फिर कोई नहीं आ रहा तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। तो सभा का मतलब ये मोहम्मद ने सब अचानक से अपना दिमाग बदल के और सभा को डाइवोर्स कर दिया। उसकी खूबसूरती पे उसको हाँ बोला, पर जैसे ही उसके पिता ने कहा कि भाई नहीं, वो तो एक भी दिन बीमार नहीं पड़ी, तो मोहम्मद ने सोचा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ कि मोहम्मद ने उससे क्यों तोड़ी। वो इसलिए तोड़ी मेरे हिसाब से कि ये तो कहने की बात है कि उसको कोई फ्लॉ नहीं हुआ, तो ऐसा किसी को बीवी मिल रही हो जो स्वस्थ हो तो वो क्यों पीछे हटेगा। ये सब कहने की बात है कि इस्लाम जो है वो प्रॉपर्टी है, ये तो उसने उसके पिता को जवाब दिया एक ऑफिशियल सा। लेकिन उसने ये देखा कि इसका पिता तो बहुत ज्यादा अपनी बेटी के लिए मरा जा रहा है, उसको ये चीज नहीं पसंद आई। क्योंकि वो अब तक उसने उमर अबू बकर अपने बच्चों को मारता था, उसका जो बेटा है उसको भी उसने मारा, और अबू बकर एक अच्छा पिता नहीं था, उमर भी कोई अच्छा पिता नहीं था, वो भी बड़ा ही क्रूर किस्म का था। तो आपने ये इंग्लिश की कहावत सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसा होता है उसको वैसे ही अपने साथ ही मिल जाते हैं। तो जो मोहम्मद था वो गंदे लोगों की, जो सताई हुई जो लड़कियां होती हैं, जो अपने घरों में सताई हुई होती हैं, उनसे शादी करना चाहता था, ताकि सुंदर तो लड़कियां ले, छोटी भी ले और सुंदर भी ले, कि लेकिन उसका पिता उसको ज्यादा ना पूछता हो, क्योंकि पिता पूछेगा तो जब ये मोहम्मद उससे दुर्व्यवहार करेगा तो तुरंत पिता को बुरा लगेगा, वो लेने आ जाएगा या कुछ करेगा, या वो अगेंस्ट हो जाएगा मोहम्मद के। ये नहीं चाहता था, वो चाहता था उसके सामने ही उमर ने अपनी बच्ची को और अबू बकर ने अपनी बच्ची को थप्पड़ मारे। तो मोहम्मद इस टाइप का था कि वो हंस रहा था उस समय। तो इतना शैतानी दिमाग था इस नीच आदमी का, तो वो इसी टाइप की मेंटेलिटी को बिलोंग करता था। तो उसने सोचा कि ये जो है लड़की, पर इसके बारे में मैं और किसी साइकोलॉजिस्ट से भी पूछूंगी, क्योंकि ये एक मुझे बड़े इंटरेस्टिंग बात लगी कि स्वस्थ लड़की के साथ इसने क्यों रिश्ता तोड़ा। तो जी इंदिरा जी, जय श्री राम। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप क्या समझते हैं इंदिरा जी कि इसने सभा के साथ क्यों तोड़ा? आप इंदिरा जी हैं जी कि जी कोई क्यों, और? जी क्या एक हुआ सेकंड क्या जनाब। हुआ? अच्छा अच्छा जी नहीं, ऐसे बोलिए। क्यों लगा? नहीं क्योंकि नहीं वो ऐसे क्यों जितेंद्र लगा जी के बीप लगा बोलने? के आया था ना पहले। अच्छा, अरे गजब है। चलो ठीक है, कभी भी हो सकता है, आप चेक कर लेना हमेशा। हर और किसी को चेक करिए, मैं ये लोग जो हाँ हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब मुझे आवाज थोड़े देर में आता है, मेरे समझ में कुछ पता नहीं है क्यों ऐसा होता है। स्ट्रीमयार्ड का कुछ प्रॉब्लम होगा, या जिसमें जुड़ता हूँ क्या है वो क्रोम, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो थोड़े देर बाद मुझे आवाज आता है एंटर करने के बाद, तो इसीलिए आपने थोड़े पहले भी जो बोला मैं सुना नहीं, बस यही सुना कि आप इंदिरा जी हैं कोई और हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो वही जो आपने बोला कि ये चाहता था कि सारे लड़की को पिटाई हो, घर में मारे पीटे। कल जो आपने बोला था कि ये सैडिस्ट था, उत्पीड़क कामी, वो उत्पीड़क हाँ कामी था, इसीलिए वो सॉरी ऐसा ही चाहता हाँ था करने के लिए। हाँ
मतलब जब ये पीड़ा पहुंचाएगा तो पिता ना भागा भागा आ जाए, मतलब घर में वो दबी कुचली लड़की हो ताकि वो उसी तरह से रखे। उसका पिता तो उसको बहुत प्यार कर रहा है, तभी तो उसके कह रहा है मेरी तो लड़की एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, और बाद में मोहम्मद से शादी करने के बाद बीमार पड़ जाएगी तो तुरंत कहेगा अरे मेरी बेटी तो कभी बीमार नहीं पड़ी थी, मोहम्मद से शादी करने के बाद हो गई बीमार, हाँ, ये भी है हो ना। सकता है, बिल्कुल हाँ ये हो भी सकता है। हो सकता और इसका वो मिजोगेनिस्ट था, ये मिजोगेनिस्ट तो था ही, कोई है। बहुत लड़की, जबरदस्त था। हाँ कल वो, इसलिए कोई लड़की को सहन नहीं कर सकता था, स्पेशली जो 20 साल 30 साल रगड़ा था खदीजा ने इसको, वो उसके दिमाग में हमेशा रहता था। उससे पहले भी था कि लेडीज के साथ इसका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा, पहले से ही, मतलब उसके मम्मी से भी, तो एक चीज दिमाग में तो ये चीज घर कर गया था। और ये हो सकता है अगर उसका माँ उसको पास में रखती और अच्छी परवरिश देती तो हो सकता है इसका दिमाग इतना बिगड़ता नहीं, और ये इतना कत्लो कताल करता नहीं, और वहां भी जाता नहीं, खुद को नबी बनाता भी नहीं। ये एक के बाद एक गलत स्टेप, एक के बाद एक गलत स्टेप करके उसने जिंदगी भर गलत ही किया, जो भी किया एक के बाद एक गलत किया, और एक गिरोह बना दिया। पहले तो ये दो कबीला जो है, आस और खजरज, इनके साथ मिला जो डाकुओं का गिरोह था, और उन्हीं के साथ मिलकर डकैती करने लगा, और उसके बाद उसने सारा दुनिया को डकैती बना दिया। एक तिहाई या एक पांचवी हिस्सा जो है दुनिया का, उसको अब डकैत बना दिया। बस कुछ नहीं करना है, कहाँ कोई दूसरा के पास क्या है उसको बस लूट लो, यही है मनसा, तो यही है, लुटेरियों का गिरोह है। और ये भी उन्होंने अच्छा लगा, बच गए सिफिलिस और ग्लूकोरिया से। ये भी सही है। जो वो तो खैर सही है। हाँ हाँ, ये और एक्चुअली क्या है, आप एक एक स्ट्रीम अलग मत करिए, कंटिन्यूअसली या तो बात कर लीजिए, उसके बाद लोगों को निकाल के दोबारा पढ़ लीजिए। तो नया स्ट्रीम करते हैं ना, उसमें आपका आपको पता है शैडो बैन लगा हुआ है आपकी, तो मैं भी काफी देर तक ढूंढा 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 ढूंढा, तब तक मैं जब ज्वाइन किया तब तक काफी टाइम आपका चला गया था। मैं बैक में जाके सुना फिर इसको, मैंने एक बार ये YouTube पे तो चैट किया था तो उन लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने मेरे पर शेडो बैन लगाया, तो उन्होंने तो ये वर्ड ही कभी नहीं सुना था, तो उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये मुझे झूठ समझ नहीं बोलते आ हैं, रहा है शेडो बैन क्या है। शैडो बैन नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये बैन बैन नहीं एग्जैक्टली, मतलब वो आगे नहीं करेंगे, क्या आप समझ रहे हैं ना, वो आगे नहीं करेंगे। जो आपका सब्सक्राइबर है, जो आपका, हाँ सब्सक्राइबर है, जिसने बेल आइकन को दबा रखा है, उसके पास तो पहुंचना चाहिए, उसके पास पहुंचता ही नहीं, हमारे पास तो पहुंचता नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के आते हैं, आपका चैनल को जाते हैं, तो फिर वो लाइव आप में जाते मेरे हैं, को फिर कहीं जाते हैं। अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो ना नहीं इंद्रा नहीं नहीं जी कुछ आप। कई बार किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग मान नहीं रहे हैं। पिछला स्ट्रीम आप देखो, मैं दो तीन कंपैरिजन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पिछला स्ट्रीम क्या नाम है उसका, आदम का, 5,000, यूजुअली उसका 5,000 मैक्सिमम होता था, 5,000 10,000 के अंदर रहता था। पिछला स्ट्रीम तुरंत उसका 50,000 आ गया लाइव व्यूअर, तो उसने खुद ही बोला कि ये हो सकता है यूट्यूब ने मुझे सब शैडो बैन से हटा दिया है, ये किसका या ये भी हो किसका सकता है आदम सिकर का, सैटरडे नाइट को किसका नाम किया था बोला मुझे उसने, समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज समझ क्लियर नहीं है। आदम सिकर, अच्छा एडम सीकर, ओके। हाँ आदम सिकर का, तो हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। तो इन लोगों के ऊपर भी बैन था, ऐसा नहीं कि बैन था, लेकिन वो उन लोगों को, हो सकता है यूट्यूब वालों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तभी वो धीरे धीरे इन लोगों का खोल रहे हैं चैनल। और हो सकता है कि आपका तो ऑलरेडी कई लोगों ने कर रखे होंगे, क्योंकि आप तो एक साथ बता देते हैं ना, ये लोग तो धीरे धीरे बताते हैं और एक ही आइटम लेके चलते हैं 8 घंटा, आपने आधे घंटे में 200 आइटम बता देते हैं, तो इनको तो आप समझ रहे हैं इनका क्या हो रहा होगा हालत। हाँ
जिसको जानना है वो इधर आए, और डिटेल जानना है तो फिर वहां जाए। डिटेल जानना है, पॉइंट जानना है, कहाँ रिब्यूटन करना है, तरीका सीखना है तो उधर जाए बाद में। लेकिन पहले यहाँ तो सीखो क्या था क्या नहीं था, डिटेल तो पहले यहाँ सीखो। एक आपका चैनल है और एक है अरे बता जाफर हेरेटिक, इन दोनों में बिल्कुल डिटेल और एज इट इज वो सारा मिलता है, और बहुत कम टाइम में मिलता है उसका, ज्यादा नहीं, पाँच उसका 5-10 मिनट का होता है, वीडियोस होता है, लेकिन उसमें उसमें सारा डिटेल बता देता है, एक एक आइटम का वो डिटेल पूरा विथ कार्टून टाइप का बना के वो पूरा का पूरा वो डिटेल बता देता है सारा चीजें विथ रेफरेंस। तो हाँ हाँ ये ये कैसे जितेंद्र जी बोल रहे हैं, पॉसिबल है? ये 15 मिनट 15 मिनट में में 50,000? यही मेरे, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी सुना बाद में सुना, मैं तो लाइव नहीं सुना लेकिन बाद में सुना, लेकिन हो सकता है कोई बोल रहा था, वो खुद ही बोल रहा था कि, या कोई और साथ में था वो बोल रहा था कि ये हो सकता है कोई कंप्यूटर में कोई, आप समझ रहे हैं, कोई ऐप टाइप का होगा, बोट बोट होता है ना, रोबोट टाइप का, कंप्यूटर में कोई यूजर रोबोट लगाया है जो कि मल्टीपल कर रहा है, एक्चुअल जितना यूजर नहीं है वो मल्टीपल करके दिखा रहा है। अब हो भी सकता है कि उसका तो बहुत सपोर्टर्स हैं ऐसे काम करने के लिए, या बात ऐसे यह भी हो कि सकता है। क्रिश्चियन लोग जो हाँ होते हैं ना इंदिरा जी, उनके हाँ रिसोर्सेस बहुत हैं, और हाँ इस्लामी भी बहुत ज्यादा हैं सब तरफ, तो नहीं है तो हिंदुओं के सपोर्टर इतने हैं नहीं। हिंदू ना तो सब अपने ही हिंदुओं से आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई जो है इस्लाम स्ट्रीम में हिंदुओं के ऊपर वार कर रहे हैं। अपने हिंदू ऐसे हैं, हाँ और अपने हिंदू ऐसे हैं कि अच्छा हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने हिंदू ऐसे हैं कि दूसरों को पैसे दे रहे हैं, गरीब हमारे हिंदू जो हैं क्रिश्चियन बने जा रहे हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, लेकिन अपने हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपने हिंदू ऐसे ही हैं। उसका स्ट्रीम में उस दिन बार्थ ऑफ क्राइस्ट चल रहा था, आप समझ सकते हैं, उसमें हो सकता है तो उसी फिर में ही आपको पता कोई चर्च, होगा जितेंद्र जी कोई कि चर्च 70,000 नहीं नहीं कैसे दिख रहे थे। नहीं नहीं उसको कैसे पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता ना, एक्चुअली दिखा, एक्चुअली दिखा उसमें, अच्छा 70,000। हाँ ये हो सकता है कोई चर्च का भी लोगों ने जुड़ गए होंगे, चर्च का तो लाखों में सपोर्टर हैं, कोई किसी चर्च का सपोर्टर अगर जुड़ जाते हैं तो आप देखिए जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम ही था बाथ ऑफ क्राइस्ट। और ये हो जी सकता कोई है बात नेक्स्ट नहीं। स्ट्रीम जो आज कल जो होगा वो बाथ ऑफ क्राइस्ट का 2 है, तो 2 में पता चल जाएगा एक्चुअली कितने थे, क्योंकि 2 में अगर उतना ही लोग हुए या ज्यादा हुए तो हम समझ जाएंगे हाँ एक्चुअली थे, हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बाथ ऑफ क्राइस्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो एक क्या पागल पंक्ति है, मतलब वर्ड को गलत मत लीजिए, मतलब ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग, तो लोगों में के अंदर उसके लिए इंटरेस्ट है, जी एक रिस्पेक्ट की बात है, या जो भी है जो क्राइस्ट होते हैं क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है, और उनके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ी चीज है। और हम अगर बार्थ ऑफ मोहम्मद का करेंगे तो मुसलमान तो गलागंडने आ जाएंगे एक बार्थ ऑफ मोहम्मद करिए इंदिरा अभी देखते जी, हैं कितना लोग उस आ रहे दिन हैं। ना, जी उस दिन नमस्ते सबके चैनलों नमस्ते में सर नमस्ते। गड़बड़ हाँ हुई थी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके एकदम 50,000 बावन हाँ हजार तक पहुंच गए थे, हाँ मेरा हाँ बेटा हाँ भी उसी दिन गजब ना, वो गेमिंग चैनल है उसका, गजब वो गजब। लाइव कर रहा था, वो एकदम मेरे पास आए आया आए कर, पापा मेरे तो 10-15 लोग या 20 लोग मेरे से लाइव चैनल में जुड़ते थे, देखो यूट्यूब मेरा दिखा रहा है 70,000। तो आए सेम डे की क्या बात है ये, बात उस दिन गड़बड़ हुई थी, क्या नहीं तो 15 मिनट के अंदर, ऐसा तो कोई उसने मंत्र मारा नहीं था कि 15 मिनट के अंदर 2,500-3,000 से वो एकदम 52,000 पहुंच जाए, और पागलों की तरह भगे थे। उसमें हो क्या रहा था, जो उसके व्यूवर्स जुड़े हुए थे उनको मल्टीपल करके दिखाया जा रहा जितेंद्र जी, थोड़ा था आपको एक थोड़ा सा आप मोमो बाबा की स्टाइल में बोलिए, मजा आएगा, कृपा बरसेगी। देखो हाँ मोमिनो, सुनो। देखो मोमिनो, मेरा प्रताप, मेरा मोजजा, कि मैं उन लोगों का भी साथ देता हूं जो मेरी खिलाफत करते हैं, उनके व्यूवर में 15 मिनट में अल्लाह से कह के 2,500 से 70,000 पहुंचवा देता हूं, आओ मेरी शरण में, वरना तुम्हार को आमीन मैं तब तक आमीन जहन्नुम में जलवाऊंगा,
जब तक तुम्हारी चमड़ी जल जाए उसके बाद दोबारा चढ़वाऊंगा, फिर जलवाऊंगा। और तुम्हें जब जहन्नुम से निकाल के तुम्हें जन्नत में लाया जाएगा तो तुम्हारे को शराब का प्याला दिया जाएगा और एक हूर दी जाएगी, और तुम्हारे साथ ये होगा कि प्याले में तो छेद होगा पर हूर में नहीं। क्या मजा आ गया। इसलिए मैं अब भी कहता हूँ मेरे पास आओ, कलमा पढ़ो। और तुम लोग इतने बेगैरत हो, एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हो, इस्लाम का सत्यानाश करते जा रहे हो, देखता हूँ कब तक ये चलता है। आपकी आवाज बंद है। सभा के बारे में आपको क्या लगता है? ये लाइन आपका कमाल था। आपका क्या विचार है इस बारे में कि वो बीमार नहीं पड़ती? इस बात से तो खुश होना चाहिए था कि भाई बीवी हर कोई स्वस्थ चाहता है, तो ये मोहम्मद ने। देखिए ये तो उसकी तो खैर विशेषता थी ही उस व्यक्ति की, पर आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अय्याशियां कर रहे होते हैं, पैसा होता है उनके पास, सब कुछ होता है, पर वो चाहते हैं कि घर चलाने के लिए ना गरीब घर की लड़की आए, ताकि वो चूँ ना करे, उसको सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, ताकि वो मेरे अय्याशियों से दुखी होकर मायके वालों को ना ले आए या उसके पीछे कोई ना करता। मैं जितना जुल्म चाहूँ करता रहूँ, तो यही सोचोगे जहाँ पर लड़की के पीछे उसके मायके वाले खड़े होंगे, ताकतवर होंगे और लड़की की सपोर्ट करते होंगे, वो लड़की को उस लड़की को चुनेगा ही नहीं। अब देखो वो था क्या कहते हैं उमर, हफ्सा से शादी हुई, उमर पहले से उसके पट्टू में था, उसके खिलाफ बोलता ही नहीं था, उसका एक तरह से दाहिना हाथ था। अबू बकर वो भी पहले से उसके साथ था, तो दोनों की लड़कियों के साथ अगर वो मारपीट भी करता था तो वो दोनों आके अपनी लड़कियों पे कोई डांटते थे, मोहम्मद उसको कुछ नहीं कहते थे कि तूने हमारी लड़की की हाथ कैसे लगा दिया। आज के समाज में अगर कोई अच्छा पिता होगा लड़की का, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी पर ससुराल में कोई हाथ उठाए, तो वो जाके लड़ पड़ेगा उससे या उसको दो चार लगा भी देगा। तो ये चुनाव भी इसी तरह से करता था कि इसके पीछे बोलने वाला, देखो नहीं खदीजा के आगे क्यों नहीं चू निकलती थी इसकी, वहां तो भीगी बिल्ली बना रहता था ना। अगर हेलुसिनेशन हो भी रहा होता था तो घास रहित गुफा दिखा दी जाती थी और उसका हेलुसिनेशन दूर हो जाता था, वो सब भूल जाता था, सरफराइल आ रहा है कि जिब्राइल आ रहा है या कौन आ रहा है। तो खदीजा के सामने चली नहीं उसकी, उसके बाद अच्छा अगर सोचो एक बार को यही व्यक्ति भारत में होता और किसी गुरुकुल में इसको प्रवेश मिल जाता, क्या ये इसका व्यक्तित्व वैसा होता? क्या ये एक के बाद ऐसी लाइन लगाता, इतनी लूटपाट करता? नहीं करता। हो सकता है इसको ईश्वर की वास्तव में प्राप्ति हो जाती, इसको असल में पता लगता परमात्मा क्या है। ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि काम वासना इसमें कूट कूट के भरी है। ओहो, मैंने कहा कंडीशनल है ना, मैंने कहा अगर गुरुकुल में होता, मैंने ये कहा है गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की होती इसने और वहां पे सदाचार से रह रहा होता यही व्यक्ति, तो वो शिक्षा का जरूरत, ये तो कभी पढ़ने लिखने नहीं गया, मरने तक अंगूठा टेक था, पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। लोग कहते हैं कि देखो मरते समय उसने कहा कागज पेन लेके आओ, भाई बत्ती बनानी थी, पढ़ना लिखना तेरे को आता नहीं है, कागज पेन लेके आओ या किसी और से लिखवाता, ये करता बस इसके बिना पर। वो कहते थे, कुछ लोग कह देते थे कि नहीं उसे तो वो तो पढ़ा लिखा था, नहीं तो कागज पेन क्यों मंगवाता, ये जरूरी थोड़ी वो अपने लिए मंगवा रहा था। एक हदीस है इस तरह की, और वो उसको इसी ढंग से ले लेते हैं, नहीं वो तो जाहिल नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा था, वो भाई सारा जीवन तो उसने दूसरों से लिखवाया, दूसरों से सुना, लिखते कुछ थे, सुनाते कुछ थे, वो यस कर देता था जैसा वो लिख देते थे, ठीक है, और खुद भी भूल जाता था मैंने पहले क्या कहा था। वो तो वो उसका अल्लाह भी भूल जाता था कि 20-200 पे भारी पड़ेंगे, वो भूल जाता था ना कि वो तो जो झूठ बोलता है तो उसको याद नहीं रहता ना, एक झूठ बोलने के लिए तभी तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए 4-5 बंदे साथ में ऐसे रखता था
जो उसकी बातों को मेमोराइज कर लेते थे। चार लोग ऐसे थे जो उसकी हर बात को उसको डांट के रखता था, यार चार तुम मेरे असिस्टेंट हो, जो भी मैं करूं उसे। यहाँ पर पता करिए, यहाँ पर लिखा है कि वो ऐसे लोगों को रखता था जो कि रिसाइटर्स होते थे, जो कि ये कुरान रटने वाले, वो जासूसी करने के लिए भेजता था उनको। तो ये लोग रात भर जो है जगते थे और प्रार्थना के बहाने ये लोग जासूसियां करते थे लोगों की। तो यहाँ पर भी ये लोग, यही जो सुन्नत तबकी है, ये लोग अभी भी यहाँ पे करते होंगे कि ये लोग जासूसियां करते हैं, ये जो तबलीगी जमात वाले लोग हैं। एक इसका किस्सा मैंने सुना था कि इसको पता लगा कि किसी कबीले में कुछ लोग इसके बारे में उठपटांग बात करते हैं, तो इसने सोचा मैं जाके देखता हूँ खुद जाकर। तो अपने चार पांच दबंग लोगों को लेके गया था, तो आहते में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ तनातनी होती है, तो वो देखता है कि ऊपर की तरफ छज्जा, जो जिस पीछे मकान होगा उसके छत होगी, छत के ऊपर बड़े पत्थर रखे थे कुछ दो चार, तो वहाँ पर भी कुछ लोग थे। तो उसको ये लगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ अगर इन्होंने पत्थर लुढ़का दिए तो मेरे ऊपर ही गिरेगा। तो उसे ये भी लग रहा था कि यहाँ बात बढ़ सकती है और हमें कम तो पिटाई हो जाएगी, तो वो वहां से चुपचाप खिसकता, बाकी लोग बातें करते रहते उसके साथ ही। नहीं नहीं तो वो तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वही तो मैं बता रही थी। वो असल में क्या हुआ कि ये चाहता था यहूदियों पे हमला करना, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसको खाने पे बुलाया। अब ये सबके सामने तो मना कर नहीं सकता था, ये अपने लोगों के साथ वहां गया, ये किसी न किसी उस पर अपनी चिढ़ पैदा करके उन पर लड़ाई करना चाहता था। वो कर रहे थे अचानक वहां पे खाना खाने के लिए बैठा था, तो ये अचानक से इसने लोगों को कुछ नहीं कहा कि देखो ऊपर से कोई चढ़ गया, इसने तुरंत वहां से चला गया। और बाद में कहने लगा कि एक बंदा छत पे चढ़ा हुआ था और मेरे पर ऐसे वो गिरा रहा था फानूस या कुछ ऐसा कुछ इसने कहा, पत्थर गिरा रहा था ऊपर से मस्जिद में पहुंच जाता है तो किसी। वो यहूदी तो खुद ही जो है हैरान थे कि ये उनका तो कोई भी बंदा नहीं चढ़ा हुआ था, तो इसने झूठ बोल के लोगों को वो करा। कि मैंने बहुत पहले सुनी थी ये कहानी, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी, डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ी है ये मैंने। और बाद में जब वो उसके साथी जो थे वो आते हैं तो देखते हैं कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वो उससे पूछते तू क्यों चला आया, तो वो ऐसे ही बहाना कर देता मेरा नमाज का टाइम हो गया था, कुछ ऐसे करके बच के निकल जाता है। ये क्या लिखा है, अच्छा अच्छा यार मई जनजी आप भी ना कमाल की बातें लिख देते हो। अपने अपने टेस्ट है, देखो सुअर को किसी चीज में मजा आता है और साधु को गाय के दूध में मजा आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रीम को हम बंद करते हैं फिर। और मेरी डीपी लगा के एक बार पहले भी कोई आया था जब आपने मुझे बाद में बताया था कि तुम तो चले गए थे, ये मेरे से चिढ़ते क्यों है जो मेरी लगा के आ जाते हैं? नहीं, वो इसलिए आपके लगाते हैं क्योंकि आजकल हम आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप ऊपर बात करते हैं, इंदिरा जी बात करते हैं, तो वो या तो इंदिरा जी की लगाएगा या आपकी लगाएगा। अब अगर इंदिरा जी ऑलरेडी पैनल पे हैं तो आपकी लगा के आएगा। अभी मेरे कल मैं कोई चैनल देख रहा था तो उसके अंदर ना वो एक सच्चा मुस्लिम था, कह रहा था मैं तुम्हें मोरलिटी, तुम्हारे हिंदू में मोरलिटी नहीं है। देखिए जीनी का भी कोई लगा के आया था, तो ये लोग ये समय समय पे हमारे साथ करते ही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सोचते होंगे जो इनके स्टूडियो में ज्यादातर रेगुलर आते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं और उनको बिना बेधड़क ले लेते हैं, तो कुछ समय बीत जाता है तो हम जो है कम चौकन्ने हो जाते हैं, तो जैसे ही हम कम चौकन्ने होते हैं ये तुरंत करते हैं। तो इनकी तो शुरू से ही आदत है कि हर वक्त हर कोई चौकन्ना रहे। हाँ, ये डिस्प्यूट पैदा करने का भी ये सोचते होंगे, डिस्प्यूट पैदा करें इस तरह से कि भाई तुमने ऐसा किया, तुम लगा के आए थे। वो भी करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अब कुछ दिन बीत गए ये भूल गए होंगे तो ये हम इनको तुरंत वो कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैंने डीमोनेटाइज कर दिया है इसको, तो कोई भी अब चेक नहीं करेगा वीडियो और मैं काट के फिर मोनेटाइज करूंगी। अच्छा, ये भी चक्कर है। मेरा भी कोई मेरे चैनल के मोनेटाइजेशन की बात चल रही, मैंने कहा मुझे कराना ही नहीं है, बड़ा चक्कर पड़ जाता है, जीएसटी लो नंबर लो, और क्योंकि उस पे जीएसटी लगता है भारत में। वो तो मैं भी नहीं करती, लेकिन यूट्यूब जो है मैंने फेसबुक पे ऐसे ही किया, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले फेसबुक पर बहुत समय तक मेरा रहा और मैं वहीं पर अपने पोस्ट करती थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर ये करो
इस पर मोनेटाइज करो मोनेटाइज करो, डेली आने लगा। तो मैंने सोचा मेरे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों मोनेटाइज करूं। मैंने उसको करा ही नहीं। अब उन्होंने मेरा वो ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, और धीरे धीरे अब मेरा वो रिकमेंड भी नहीं करते है, सब बंद कर दिया है। मैंने सोचा आपके जो रीजन गलती मैंने वहां पर करी वो यहां ना करूं, क्योंकि यूट्यूब को जब फायदा नहीं होता तो वो रिकमेंड नहीं करता। यूट्यूब को फायदा होना चाहिए पैसों का, तभी करता है। आपकी रीच भी कम कर दी है, जो हिंदूवादी चैनल है ना उनकी रीच कम कर देते हैं जान के। कुछ बैठे हैं उस वहां पर लोग ऐसे हाँ जैसे जैसे गूगल में बैठे थे और एक वो कहते ट्विटर में बैठे थे, वो करते थे ना यहाँ पे भारत में भारत एक विरोधी बात चीजों को बताइए, प्रचारित करते थे वो इंदिरा जी, मैं एक चैट लाइन अभी खोल दूं क्या? प्लीज आप नीचे लिख के बताइए, अभी तो कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक चैट लाइन खोल दूं क्या, सब लोग वहां बैठ के बात कर सकते हैं? क्योंकि ये स्ट्रीम्स में प्योर रखना चाहती हूँ, मतलब बहुत लंबी नहीं रखना हाँ चाहती हूँ। इसको तो खैर कर ही तो दो मुझे ही कोई चाहिए कंक्लूड, वहां पर बात करने के लिए, तो मैं खोल दूं एक। इसको तो कंक्लूड कर ही दो चलो, पहले मैं नहीं तो इसको ये कंक्लूड कर देती हूँ, फिर वो खोल देती हूँ एक और। तो इसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ। तो आप सभी लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब तो कर नहीं रहा है, तो आप ही लोग करिए और लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो। और कल हम अपनी एक रखेंगे पुजारियों के ऊपर, एक स्ट्रीम रखेंगे करेंगे इंदिरा जी। और अभी एक चैट लाइन खोल रही हूँ जो इंदिरा जी चलाएंगे। इंदिरा जी आर यू ओके विद इट? अच्छा नहीं, चैट लाइन अभी मैं करूंगा नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, जी अभी मैं चैट लाइन करूंगा नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। और आप जो बोल रहे थे ना, ये जो रिसाइटर वाले आके जासूसी करते थे, ये हाँ उसके बाद भी चलता रहा, ये उसके बाद भी चलता रहा। जो मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आया था वो भी तो वही काम कर रहा था, करा। और फिर उसने घोरी को ही बुलाया, हाँ उसने घोरी को बुलाया और सबको ये किया, चिश्तिया हो गए, अलवालिया हो गए, सारे यही काम करते हैं, हाँ इंदिरा जी, ये औलिया हो तो गए। मोहम्मद हाँ के टाइम पर सब चीजें हो रही थी, ये चीज अभी भी हाँ रिपीट हो रही है। हाँ यही तो होता है। नहीं, जो वहां होता था वही हो रहा है। हाँ और ये मत सोचिए कि उस टाइम हो रहा था अब नहीं होगा, ये होता रहेगा जब तक हम करते करने देंगे, और जब तक हमारा आंख नहीं खुलेगा तब तक ये करते रहेंगे। और जैसे लव जिहाद हो रहा है, जैसे ये जिहाद हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनको एक तरीका मिल गया है, जी अच्छा आपको जिंदगी इंदिरा जी, नरक बनाने का एक तरीका मिल गया है, तो वो करते रहेंगे जब तक, अगर आप आंख नहीं खोले। और जी आंख कल खोले ना तो क्या फिर ये हुआ क्या है। फेसबुक पर, जी कल क्या हुआ फेसबुक जी पर, बोलिए एक बोलिए। नरपिशाच वहां पर लिख रहा है ऐसे। एक एक ग्रुप है ट्राइब ऑफ 40 करके, लोगों ने मेरे को बात बार बार भेज रहे थे कि आप इसको ज्वाइन करिए ज्वाइन कर लिए। तो मैंने वैसे ही सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, मेरे यहाँ पर लोग बढ़ जाएंगे, मैं अपना वीडियो वहां पर जो है शेयर कर दूंगी। तो अब क्या है, वहां पर लोग कुछ ना कुछ अपने लाइट रोमांटिक बातें लिख लिख के लोगों के व्यूज पूछते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपका क्या विचार है, ये वो है। तो अभी उसी में एक नर पिशाच ने वहां पर एक वो डाला एड, कहता है कि सबसे सुंदर ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे सुंदर लड़कियां हैं, ताकि सबके आंसर्स ले सके। तो मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने देखा ये कौन है जो ऐसा लिख रहा है, तो देखा नर पिशाच लिख रहा है। तो मैंने कहा क्यों वहां भी लव जिहाद करना है? ये बढ़िया कहा, ये बढ़िया कहा आपने। हाँ मतलब ये क्यों पूछ रहा है कि कहाँ सबसे सुंदर लड़कियां रहती हैं, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? इसको नहीं, क्या उसको मतलब है चाहिए ना, सुंदर लड़कियां किसी उसका देश में इंटरेस्ट है ना रहती उसी में, उसका इंटरेस्ट है उसमें। है? हाँ जी हाँ तो मैंने इसको पकड़ कंटिन्यू करें। लिया। हाँ हाँ और दूसरा मैंने ये देखा है कि ये जो फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस जो हैं अब पाकिस्तानी प्लेस किए आ गए हैं, एक मैंने ये बात देखी है, बहुत पाकिस्तानी क्या आ सारे गई, वीडियोस पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना, उनके थोड़े थोड़े सीन्स दिखाते हैं, तो लोग जो है इंटरेस्ट बना लेते हैं। अब आगे क्या होगा, तो फिर आप हम टीवी पे जाके अगला देखें, ऐसे करें। अच्छा अच्छा मेरी एक पाकिस्तानी कोई टीवी दूर चैनल। कजन है, वो बॉम्बे की रहने वाली थी, कहती है मैं तो हम तो ऐसे नहीं देखते हैं, वो ना थोड़ी हाई फाई है, तो हम तो खाली पाक प्लेस देखते हैं। तब तो मुझे समझ में नहीं आता था उस समय, तो मुझे अभी मैंने तो उसको अपने उससे ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि
क्योंकि उसने कुछ इस तरह की बातें लिखी ना, हम तो पार्क प्लेज ही देखते हैं। अच्छा मैंने, मेरे पास ना जो वो आता है ना सैटेलाइट टीवी वैसा वाला, तो डिश पे तो उसमें सारे देशों के सारे टीवी प्रोग्राम, सारी मूवीज सब आते हैं। तो मैं ऐसे ब्राउज करती हूँ तो वहां पर इंडिया के नीचे वो भी दिए हुए हैं पाकिस्तान के। तो मैंने देखा पाकिस्तान की मूवी एक है जहाद, जहाद जिहाद नहीं जहाद। तो मैंने उसको 5 मिनट चला के देखा, तो उसमें वो बंदा कह रहा है हम काली के उपासक हैं और हम जो है मार रहे हैं लोगों को, हम तंग कर रहे हैं, और ये बड़े अच्छे लोग हैं नरपिशाच की, ये उन लोगों को मारेंगे। मतलब क्या नैरेटिव फैला रहे हैं ये। यही तो जी इंदिरा जी ड्रॉप हो गए। इसराइल के बारे में सिखाते हैं और कहीं अमेरिका के बारे में सिखाते हैं। मुझे लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड अमेरिका के बारे में बोलते हैं। ये उनका और कुछ नहीं, ये तरीका है। ये बस दूसरे को मारने का तरीका है। दूसरे को बदनाम करो और उसको मार डालो, ये तरीका है और कुछ नहीं। ये 1400 साल से यही काम कर रहे हैं। और जो भी आप ये, इसीलिए आप देखिए अरब के मूर्ति ये व्हाट्सएप पूजक जिहाद के भी कर बारे रहे हैं में, और मंदिर जिहाद भी कर रहे हैं। हाँ सुनिए सुनिए, मूर्ति पूजक के बारे में अरब का जो भी ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये सब झूठ समझ लीजिए, उसमें एक भी सच्चाई नहीं होगी। जहां खदीजा जैसा या उम कुरपा जैसा लेडी बड़े बड़े क्लान को लीड कर रहे थे और बिजनेस में इतना बड़े आगे गए थे, तो वहां लेडी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कोई किसी तरह का अत्याचार। और वो दूर की बात है कि उनको जब जमीन में गाड़ दें, ये सवाल ही नहीं है। ये सब खुद करते थे और उनका नाम तो लगा दिए। इस तरह वो करते हैं, हर जगह यही करते हैं। और इनका रोना है बाबरी तोड़ दिया, बाबरी तोड़ दिया, जबकि बांग्लादेश में 33,000 मंदिर तोड़ चुके हैं, कई हाँ कई हिंदुओं को मार दिए हैं। बांग्लादेश टिपिकल पाकिस्तान में भी यही किए हैं। हाँ नार्सिसिस्ट वाली बात है, नार्सिसिस्ट हाँ की। नहीं, नार्सिसिस्ट तो धोखेबाज, वो तो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है जो है, ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं देखो है वो जो इनकी। मोहम्मद है उसने जो कहा ना कि अल्लाह कहता है कि आई एम द बिगेस्ट ऑफ डिसीवर्स, तो उसका मतलब मोहम्मद खुद से था, क्योंकि अल्लाह तो वो मोहम्मद ही तो था। तो वो मोहम्मद अपने आप को बहुत अच्छा डिसीवर समझता था, बेस्ट ऑफ डिसीवर्स। इसका मतलब उसने कोई ऐसा डिसीव किया लोगों को कि वो अपनी सफलता पे अंदर ही अंदर मुस्कुराया, और उसने अल्लाह के नाम पे रख के अपनी मन की बात कह दी कि अल्लाह इज बेस्ट ऑफ डिसीवर्स। सारा तो उसने अपना नाम ही कहा है, अपने लिए कहा है, दूसरे के लिए थोड़ी कहा है। जो अबुल हर्ब की हाथ टूट जाए वो किसका था? वो तो उसी का ही था, वो तो किसी और उसकी का थोड़ी मंशा था। थी ना। नहीं जैसे हम कोई बड़ा चालाकी का काम करें, जैसे हम कोई बड़ी तिकड़म लगाएं या कुछ करें, तो लोग अब उसमें प्राइड फील करते हैं, अरे देखो हमने क्या मजा किया, हमने तो इसको ऐसे ऐसे डिसीव करा, ये करा। तो अब ये मोहम्मद किससे शेयर करे, किसी से कह तो सकता नहीं था। तो वो अपनी बात को अल्लाह के जरिए जो है खुश हो लेता था कि अल्लाह कह रहा है कि देखो हम तो बेस्ट ऑफ डिसीवर्स हैं। आप जब रिसाइटर की बात कर रहे थे कि इतने लोग थे रिसाइट करते थे, तो वही मेरे दिमाग में आता था। तो उस टाइम में तो ज्यादा सुरात बनाया ही नहीं था, 4-5 सुरात था। एक तो पहला वाला जो है पढ़ नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, इकरा इकरा, मैंने मन इकरा, वो था। एक आपका बिस्मिल्लाह रहमानी रहे में अल्लाह खुद बोल रहे, अरे सुनो अल्लाह, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, उस अल्लाह का पूजा करो, उस अल्लाह का पूजा करो, तो मेरा मत करो, उसका करो। तो हाँ ये वो तो दूसरा हो गया। मैंने तीसरा क्या है, यही रिसेट करते थे। और क्या, अबू लहब का हाथ टूट जाए, वो मर जाए, वो तबाह हो जाए, उसकी बीवी के गले जैसे में कोई बेबस बुढ़िया लट, बोलती है हाँ ना, रस्सी पड़े, जिसका बस नहीं वो चलता। यही यही रिसेट करते थे। और क्या रिसेट करते थे, यही तो रिसेट करते थे ये। और यही रिसेट करते थे, कत्लो कत्ल करते थे, और जाके दूसरे का घर में देखते थे, झांकते थे कि किसके पास कितना हथियार है, कौन कितना तगड़ा है, कितने किसके पास कितना लोग हैं, यही देखते थे। और जब लोग सो जाएं तब अटैक कर लो, यही जी तो काम था इनका। और सच बोलेंगे तो इनको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है इंदिरा जी, फिर ये हाँ स्ट्रीम क्लोज करते अब क्लोज हैं करते हैं, और आप क्लोज कर दीजिए।
मैं 2 मिनट आप आपके साथ चैट बात लाइन करूंगा नहीं खोल सकते अभी? जी। चैट लाइन ना नहीं, खोलूं अभी? नहीं, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, ठीक है रहने दीजिए, तो छोटा छोटा सनातनी स्क्रीन। हाँ सनातनी हाँ मैं से बोल रहा था विनती है जी, आप क्लोज कर दीजिए, थोड़ा बात करेंगे मैं। जी, तो आप सभी सनातनियों से विनती है कि प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि YouTube तभी रिकमेंड करेगा जब व्यूअरशिप ज्यादा होगी तो, और या फिर लोग उसको लाइक करेंगे वीडियो को। और आप सब सनातनियों पे प्रभु की कृपा हो, जय श्री राम। सेल्फ डिफेंस की तैयारी कर लें, अचानक से ये आएंगे।